2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। इस गल की दोनों हाथ जोड़ के माफी मंगना। अज का थोड़े दर्शन करन दा, थोड़े रूबरू होने का सबजैक्ट ते विशा पंजाब विधानसभा के अंदर खेती सुधार केंद्रीय कानून के कुहाड़े की धार नू खुंडा करन वास्ते पंजाब असैंबली के अंदर एकजुटता का प्रगटावा, गवर्नर के घर तक एकजुटता का एकता का प्रगटावा, रात तक सारिया पार्टियां का एका ते दूसरे दिन यूटर्न, मतलब कि कह लीए भी थोके चटन की नौबत क्यों आई। सो मैं संखेप दे विच थोनू ये दसना चाहूँगा, मैं तो पंजाब विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब नू अपील की भी स्पीकर साहब जिहड़ा अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो की, तुसी वो वीडियो का लाइव रिकॉर्डिंग चलती है, इस वीडियो का लिंक सारे मीडिया नू सेंड कर दिओ। मेरे समेत 115 एमएलए सारिया का पता लग सके किहड़े एमएलए का किहड़ी पार्टी का खेती सुधार असैंबली दे विच जिहड़े नवें बिल आए तीन उन्होंने उत्ते रुख ते रुझान की सीगा। बड़ा दुख होया, समथिंग इज बैटर दैन नथिंग, किसी चीज की प्राप्ति ना हो कुछ प्राप्ति हो जाए वह चंगा या माड़ा। अज किसान अंदोलन लैके 2022 तलाशना अपनी पार्टी वास्ते सता ले अत्यंत मंदभागा है। अज वो लोग जिहड़े राजनीति के अंदर हाशिए ते चले गए, जिहड़े कगार ते खड़े खत्म होण दी ते, वो खेती सुधार कानून विधानसभा के अंदर नवे आए कानून ते किसान अंदोलन के जरिए अपनी पार्टी की होंद बचाउण की लड़ाई लड़ रहे। 2022 दे विच दुबारा एमएलए किद्दां बनना, अज उस गल की लड़ाई हो रही है। मैं सब तो पहला जिहड़ी अपील की सत्कारयोग स्पीकर साहब नू, मैं उन्होंने बेनती की, मैं स्पीकर साहब तुसीं इह ऑडियो जरूर जिहड़ा वीडियो हैगा इहनू मीडिया नू दे दिओ, थोनू मैं अखी डिठा वर्णन जरूर करूंगा। अंदर पोलीटिकल पार्टियां दे आम आदमी पार्टी और अकाली दल बादल पानी पी पी के तरीफा दे पुल बन्नेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे, उन्हां दी हरी पगड़ी की चर्चा आम आदमी पार्टी दे अकाली दल दे एमएलए ने की तारीफ करते हुए, उन्हां दे पुराने पास किए मतियां की प्रशंसा दे तारीफ क्यों प्रतीत हो रहा सी कि जेडे विरोधी बेंच हैगे अज यह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे रंग दे विच रंगे हुए है। जे मैं अपनी गल करा, मैं थोक के समर्थन किया लोक इंसाफ पार्टी वालों तीनों नवें आए विधानसभा दे विच बिलां दा ते एक प्रस्ताव दा, ते मैं विरोध भी किया। विरोध किहड़ी गल दा किया, जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने किसानां नू अपील कीती कि तुसीं अपना जिहड़ा अंदोलन सड़कां तों चक लो, रेलवे लाइना तो अपना अंदोलन खत्म कर लो, मैं विरोध किया कि कैप्टन साहब लोक इंसाफ पार्टी थोड़े नाल नहीं है इस गल दे उत्ते। अज जिन्नी क प्राप्ति हैगी है, जे अज विधानसभा का सैशन भी कॉल होया उहदे पिछे भी किसान एकता, उहदे पिछे भी पंजाबियों का एका नजर आउंदा। जे अज तुसीं तीन बिल लैके आओ ते पंजाब दे लोकां दे प्रैशर ते दबाव करके तुसीं कह दो भी धरने समाप्त कर दिओ, प्रदर्शन समाप्त कर दिओ ते गया काम सारा ही। नाल मैं यह भी गल की कि गवर्नर तो बाद राष्ट्रपति ये
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜੱਲਾਂ, ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 1 ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ, 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ 28ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਲਕ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਪੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਵੇਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਗੋਗਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਛਿਪਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ RSS ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ SGPC ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ SGPC ਸਾਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ RSS ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਫਾਊਂਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ MLA, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੋਟ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਮੋਟ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ
अलग बाणी ते बादल वाले, मैं फिर कहूंगा कि दोनों पार्टियां पंजाब दे अंदर किसान अंदोलन अपनी होंद बचाउण दी दोस्तों लड़ाई लड़ रही ने। मैं विधानसभा दे विच पाणियां दी कीमत वसूली दी मंग कीती, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं याद कराया कि तुहाडा दादा खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं पाणी बेतरां वाले तक पटियाला दे जिंद रियासतां तों इक नाला पट के पाणी लैके जांदे सी। महाराजा गंगा सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट तों पाणी खरीदे रहे आ। 16 नवंबर 2016 नूं पास होया कि असीं पाणी दी कीमत वसूल करनी है। ते आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 2017 दे विच लुधियाणा दा मीडिया बैठा तुहाडे सामने अरोड़ा पैलेस दाणा मंडी दे विच स्वीकार करके कि मैं पाणियां दी कीमत भेजूंगा पंजाब नूं, एंड उत्थे LOP जिहड़े हरपाल चीमा हैगे आ विधानसभा दे अंदर आम आदमी पार्टी दे विरोधी धिर दे आगू, उन्हां दा रिकॉर्डड स्टेटमेंट, वो कहिंदे कदों क्या केजरीवाल ने पाणी दी कीमत देण वास्ते। इहदा मतलब आम आदमी पार्टी नहीं चाहुंदी कि पंजाब नूं पाणी दी कीमत मिले। और केड़ी स्टेट हैगी आ जिहड़ा अपना कुदरती खजाना फ्री दिंदी होवे, कोई कोला बिहार झारखंड मार्बल राजस्थान सागवान की लक्कड़ MP ते मोरओवर अज तो 6-7 महीने पहला दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश जिहड़ा जमुना दे जरिए पानी हिमाचल दे हिस्से दा दिल्ली वरत रही है 21 करोड़ रुपया सालाना देने का एग्रीमेंट किया। असी की माड़ा किया केजरीवाल साहब का? अज केजरीवाल साहब की ईमानदारी ते कोई शंका नहीं, पर ईमानदारी का दायरा सीमित है दिल्ली तक है। पंजाब वास्ते पैरामीटर्स होर है, पंजाब वास्ते नीति होर हैगी है। सो मैं तीजे नंबर ते जिहड़े सत्कारयोग BJP वाले हुण NDA दे अंदर कस्टोडियन साडी स्टेट दे सेंटर गवर्नमेंट दे अंदर, जिन्हां दे असीं घरां दे बाहर उन्हां दी आत्मा जगाउण लई प्रोटेस्ट कीते, धरने दित्ते, ते ओह ड्रामेबाजी ते नौटंकी ते आ गए। अज उन्हां नूं गुरु रविदास जी याद आ गए, अज उन्होंने डॉक्टर अंबेदकर की सोच याद आ गई। अज वो हार पौन तुरे जाते हैं, जिदन गुरु रविदास जी का पवित्र इतिहासक स्थान दिल्ली दे विच ढह ढेरी किया सीगा, उदने BJP के लीडर्स कित्थे सन? उदन पंजाब दे विच्चों कोई BJP छोटे वड्डे लीडर की आवाज क्यों नहीं उठी? अज सिर्फ ते सिर्फ किसान अंदोलन नूं पाड़ो ते राज करो, डिवाइड एंड रूल। पंजाब दे अंदर किसान अंदोलन नूं कमजोर करने वास्ते नित नवे जिहड़े आ शगूफे छड़े जा रहे, नित नवे शगूफे। कदे अश्विनी शर्मा की गड्डी दे उत्ते अटैक, फिर बिट्टू जी उहदी जिम्मेवारी लैण, लोगों का ध्यान अटेंशन डाइवर्ट करने वास्ते, फिर BJP वाले बिट्टू के पुतले पंजाब के अंदर फूकण, फिर कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान तां के लोगों का अटेंशन किसान अंदोलन तो हटा के दूजे नवे शोषण वाले पासे लाया जा सके। सो मेरी बेनती हैगी है सारिया किसान जथेबंदियों नूं, मैं जिन्ने किसान धरने च जा के आ, मैं कह के आया कि किसी MLA MP किसी पोलीटिकल पार्टी के मगर ना लगे हो, जो तुहाडी 31 जथेबंदियों की एक संघर्ष कमेटी बनी है, उस संघर्ष कमेटी के आखे लाखे चलो। अज नहीं कल, कल नहीं परसों, तुहाडा अंदोलन सफल होएगा। ये मोदी साहब नूं पंजाबी दे विच ट्वीट करना पिया, तो उन्होंने पता है कि यह देश दीआं सरहदां दी राखी कौन करता है? वह सैनिक पूरे देश के अंदर कला पंजाब नहीं, जिन्हां दे छोटे वड्डे भरा, जिन्हां दे बाप, जिन्हां दे परिवार खेती करते हैं, वह साडे देश की जमीन सरजमीन बचाउण वास्ते अपनियां जानां हथेली ते रखी फिरदे आ, ते दूजे पासे उन्हां दीआं परिवारक जमीन जायदादां कारपोरेट नूं देण वास्ते सरकार कानून बना रही है। केंद्र सरकार डरी है दोस्तों। अज इस गल का दुख ते अफसोस है कि असी 30 साल का अरसा पंजाब दे लोकां ने कला सिखां ने नहीं, सारे पंजाबियों ने, वो हिंदू आ, मुस्लिम आ, सिख आ, ईसाई आ, 30 साल असी टैररिज्म की भट्ठी दे विच चुके हैं। बेशुमार हजारां कुर्बानियां करन तो बाद शांति आई है पंजाब दे अंदर, ते ओह 30 साल का शुरुआत कित्थों हुंदी है? जदों SYL टक लगता उत्थे कपूरी का मोर्चा लगता, फिर कपूरी का मोर्चा उठा के धर्मयुद्ध मोर्चे विच तब्दील करके अमृतसर श्री दरबार साहब काल तख्त से गुरु रामदास सरां लैके जाते हैं। उस तो बाद पंजाब दे अंदर 30 साल असी अपने पिंडे दे संताप हो गया पंजाब दे लोकां ने, वो चाहे किसी भी धर्म नाल संबंधित है। सो कृपा करके जिहड़ी पंजाब दे अंदर शांति आ, दोनों सरकारां केंद्र पंजाब ते सारियां पोलीटिकल पार्टियां, मेरी सुनिम्बर बेनती है कृपा करके गिरगिट वांगू रंग बदलने बंद कर दिओ। जो तुसीं गल्लां विधानसभा ओ डेमोक्रेटिक टैंपल जिथे पंजाब दी जनता दे भविख दे फैसले कीते जांदे आ, जिथे जीदा जंजाल बने कानूनां ते संशोधन करके नवे कानून बनाए जांदे आ, कृपा करके उहदी गरिमा ते ग्रेस
वो बरकरार रखो जो तुसी स्टैंड लिया और अपने दिल्ली दे विच बैठे कामां दे रिमोट कंट्रोल तो बाद चैनल बदली ना करो। मैं फिर कहूंगा समथिंग इज बैटर दैन नथिंग। कुछ नहीं प्राप्त होया, मैनू पता इस गल का, उम्मीद बड़ी घट है कि राष्ट्रपति या गवर्नर सानू ये बिलां नू मंजूरी दे देणगे। गवर्नर साहब का अत्यंत रुखा रवैया, जदों असी सारी असेंबली मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की अगवाई दे विच असी गवर्नर साहब नू मिलन गए ते जिहड़े पार्टियां दे प्रधान सन उह मुख्यमंत्री साहब दे नाल गए ते असी जदों मेमोरेंडम दिता एक भी शब्द गवर्नर साहब ना बोलन, चाह बड़ी दूर की गल है एक पानी का घुट ना पुछन, ते असी हजे खड़े मुख्यमंत्री साहब कुर्सी दे बैठदे आ ते उह मेमोरेंडम फड़ के बड़े बेरुखे तरीके दे नाल रुखेपन दे नाल उह वापस यू टर्न लैंदे आ बाहर गार्डन दे विचों सीधा ही अपने दफ्तर च। मैं मुख्यमंत्री साहब कोले अलांबा मुख्यमंत्री साहब कोले गिला कि सीएम साहब ए गवर्नर साहब दा एटीट्यूड किदां दा, साडी स्टेट दा सीएम सारी असेंबली मिनिस्टर सारे गए होण ते इन्ना रुखा रवैया, ये साडे बिल नूं मंजूरी किवें देणगे। मैनूं दुख ते अफसोस होया, मैं नाल इह वी गल कही कि जदों असेंबली दे विच गवर्नर साहब आउंदे आ ते असीं इन्हां दे अहुदे दी गरिमा ते ग्रेस रैड कारपेट बिछा के इन्हां दा वेलकम करदे आ। पर मैं जिद्दण दुबारा गवर्नर साहब असेंबली दे विच आउणगे मैं अपना गिला जरूर करूंगा गवर्नर साहब के कोले। असी लैजिस्लेचर हैं, असी मतदान पेटी के गर्भ दे विचों पैदा हुए लोक नुमाइंदे हैं, तुसी लोक नुमाइंदियां दा निरादर करो, तुसी लोक नुमाइंदियां दे सरबौर उन्हां दे हैड मुख्यमंत्री ते मंत्रीमंडल दा तुसी निरादर करो, ये कदाचित भी प्रवान नहीं। सो मैं फिर सारियां पोलिटिकल पार्टियां नूं दोस्तों अपील करूंगा, वफ द पॉलिटिक्स राजनीति छड़ दिओ, अज किसान की गल करो। ते मैं सारे किसान ते मजदूर साथियों नूं दलित वीरां नूं बेनती करूंगा कि पाड़ो ते राज करो वाला शगुफा लैके तुहाडे कोले पहुंचे हुए लूंबड़ लीडरां दी गल ना मन्नियो। जो तुहाडियां 31 जथेबंदियां दी एक्शन कमेटी तुहानूं कोई प्रोग्राम दऊगी तनदेही दे नाल उत्ते पैरा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवां शहर दे विच बीते दिन भाजपा दे आगू वल्लों कुछ सब नू पता, सब नू पता कि साधु सिंह धर्मसो साधु नहीं चोर है, एक सीनियर IAS अफसर की रिपोर्ट आई है। पर बीजेपी अज क्यों उठी है? बीजेपी अज उठ के डॉक्टर भीम राव अंबेदकर साहब के गलों के हार गुरु रविदास जी का चेता कि आ गया, उदन चेता क्यों ना आया जिन दिल्ली दे विच गुरु रविदास जी का इतिहासिक धार्मिक स्थान इन्होंने ढह ढेरी किया। अज सिर्फ ते सिर्फ किसान ते दलित खेत मजदूर दे विच पाड़ा पाउण वास्ते कि इन्हां नूं पाड़ना किदां, असीं किसान कल्ला रह जावे ते जिहड़ा दलित खेत मजदूर आ मंडी मजदूर आ उहनूं असीं अंदोलन दे विचों परे कर दईए। पर याद रखण कि इन्हां दीआं चालां इन्हां दे शगुफे कदे भी सफल नहीं होंगे। साडा नौ दे मास दा रिश्ता, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भरे को मंदे। असी सारे पंजाबी अज किसान बन के इस अंदोलन दे विच हैगे आ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਝੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ MP ਤੇ MLA ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ MLA ਆ, ਕੋਈ MP ਆ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਪਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ
जे पी नड्डा कौमी प्रधान ने बीजेपी के उन्होंने बयान दिता कल कि जोड़ा प्रदर्शन कर रहे किसान नहीं विचोलीए है कि जे रेला रोकिया जा टोल टैक्स रोक अज जे पी नड्डा साहब किसान नू विचोलिया लफ्ज शर्म होनी चाहिए है। ये उही किसान आ जिन्हें देश की आजादी तो बाद भुखमरी का शिकार देशवासियों के ढिड भरन वास्ते ना धुप देखी ना छां ना दिन ते ना रात सप्पां दीआं सिरियां मिद गए देश के लोगों का ढिड भरिया अनाज पैदा करके अज जे पी नड्डा साहब किसान का निरादर ते अपमान करते हुए उन्हूं विचोलिया उन्हूं विचोला दसदे उन्हूं एजेंट दसदे आ ये उही एजेंट जिन्हां नूं अज जे पी नड्डा साहब विचोलिए का नाम दे रहे सत्त किसान लीडर केंद्र सरकार ने मीटिंग लई सद्दे सीगे सद्दे सी ना मीटिंग वास्ते ते अज शर्म होनी चाहिए आ कि अज उसे सद्दे हुए लीडरां नूं तुसीं उपनाम विचोलिया का दे रहे हो। सो ये बीजेपी के लीडरस किसानां नूं किसी नाम ना बुला लैण। किसान अंदोलन दोस्तों कमजोर होने वाला नहीं गा, कला किसान नहीं, अज सारे पंजाब के लोग इत्थों तक मैं धन्नवाद करदा वपारियां दा, शहरां दे विच वी ये लहर जिहड़ी आ बाजारां दे विच वपारी हत्थां दे झंडे फड़ गए क्योंकि वपारी दुकानदार नूं पता है कि ये किसान दलित खेत मजदूर की जेब च पैसे आ ते कारोबार वपार तां ही चलना। जे किसान की जेब च पैसे नहीं ते पंजाब दे विच दुकानदारी ते वपार दा पहिया जाम हो जाणा है।